सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से सांसद रमेश चंद्र कौशिक इस समय हमारे साथ है। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि 2024 चुनाव अब नजदीक है तो उनकी तैयारियां किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर सच में कुछ कार्य कर दिखाया गया है। सांसद जी, जिस तरह से अब तक का जो रहा है आपका शासनकाल, किस शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हो? आज हम अगले साल हम 2024 के चुनाव में जाएंगे और 9 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, 10वां साल लगा हुआ है। उसमें जो हमने सोनीपत का विकास किया है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री जी की 2015 में एक रैली की थी बहुत बड़ी, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने KMP और KGP का शिलान्यास किया था, और उसके साथ 12 लाइन का जो हमारा नेशनल हाईवे था पानीपत तक का, ये तीनों काम किए थे। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि KMP और KGP हमारा आज पूरा हो चुका है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था, और हमारा जो 12 लाइन का नेशनल हाईवे था वो मैं जमुना से सोनीपत बालगढ़ होते हुए सोनी बालगढ़ से, और इसके साथ साथ करखोदा सांपला और झज्जर जो रोड था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसको उसका भी उद्घाटन हो चुका है और वो भी आचार चल रहा है। इसके साथ साथ सोनीपत घोड़ा जीन था उसको हमने नेशनल हाईवे करवाया और उसका काम कंप्लीट कर रहा था, और अब एक नया एक्सप्रेस वे जो जीन से हम निकाल रहे हैं, जीन घोड़ा सोनीपत, और उसको आगे जाके हम देहरादून एक्सप्रेस वे में मिलाने जा रहे हैं। उस पर काम भी तेजी से चल रहा है, और इस साल के अंत तक उम्मीद है कि वो काम भी हमारा पूरा हो जाए। अच्छा, इस तरह से आपने जो आंकड़े बताए हैं उन आंकड़ों के आधार पर और भी तो बहुत सारे कार्य हुए हैं। और भी हुए, इसके साथ साथ जो है हम अब बड़वासनी जो नहरें हैं उनसे एक रोड बना रहे हैं जो सीधा 4 लेन का जो द्वारका एक्सप्रेस वे में जाके मिलेगा, और इससे सोनीपत के लोग एयरपोर्ट का रास्ता हम 35 मिनट में कवर कर लेंगे, जो सोनीपत के लिए बहुत बड़ी बात अपने आप में होगी। इसके साथ साथ जो जींद मेरा पार्लियामेंट में आता है, जींद हल्का हमारा अपना हल्का है, एक रोड हम भी कटड़ा रोड जिसको हम बोलते हैं दिल्ली से कटड़ा, वो भी हमारा गुआना बरोदा और जींद सपीतों से होता हुआ वो कटड़ा ले जा रहा है, उसका 50-60% काम हमारा पूरा हो चुका है। एक रोड और था जो कोटपुतली से जो हमारे जुनाना जींद सपीतों ये रास्ते होता हुआ अम्बाला गया जो चंडीगढ़ के लिए, आज वो रास्ता हमारा पूरा हो गया और चालू चल रहा है, और उस पर अब जींद के लोग चंडीगढ़ जाने के लिए उनको 2.25 घंटे लगते हैं। जींद का बाईपास था लगभग 1000 करोड़ रुपये करीब खर्च हुआ था, वो बन के कम्प्लीट और तैयार है, लोग उसका पिछले कई साल से उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ रोहतक जुराना जींद रोड है वो भी हमारा लगभग कम्प्लीट हो गया है, वो भी अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट था। जींद से भिवानी है वो हमारा पूरा है, और जींद से जो असंध है हो गया करनाल जा रहा है वो नेशनल हाईवे हमारा पूरा हुआ, और जींद से हम सपीतों और पानीपत वाला भी अलॉट हो गया वो भी काम हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने एक नया विकास का मोड, जींद को भी जींद में लोग सिर्फ अपोजिशन पार्टियां या सब पार्टियां रैलियां करते थे, काम कोई नहीं करता था, आज हमने जींद का नक्शा बदल दिया है। जींद में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, वो भी जनवरी में अगले साल नेक्स्ट ईयर जनवरी में हमारा चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ नया बस अड्डा स्टेडियम, और जींद जो यूनिवर्सिटी थी उसमें 4 कमरे दिए सरकार बनने के बाद 150 करोड़ रुपये खर्च करके आज उसको यूनिवर्सिटियाँ रुक दिया। इसके साथ साथ जो दूसरे काम हैं ये सारे नेशनल हाईवे के काम रोड के हमारे काम थे जो सब हमने पूरे किए, और इसके रेलवे के बिना रोड और रेलवे जो ऐसी चीज़ें उनके बिल्कुल काफी मुश्किल था। मैंने चुनाव में भी एक बात कही थी, चुनाव के बाद भी, अगर हमने इस क्षेत्र का विकास करना है तो नेशनल हाईवे से जुड़ना पड़ेगा। आज मेरा पूरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे से अगर जुड़ा है तो जींद जुड़ा है, जिसमें 8 नेशनल हाईवे करीब जींद को जोड़ रहे हैं,
और इसके साथ साथ रेलवे का था, रेलवे का हमने पहला रेलवे लाइन थी वो कंप्लीट करके उस पर 3 ट्रेनें चलवाने का काम किया, वो किया। और आज जो रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है हरियाणा के बाद में, हरियाणा बनने के बाद, वो भी हमारा गन्नौर में बड़ी में आज प्रोजेक्ट रेल कोस्ट को चालू हो चुकी है। और लोग जो कहते थे ये तो कोई कहता था बनारस जाएगी कोई चली गई, ये आज वो देख सकते हैं वहाँ पर कोशिश हुई है। और उसके साथ साथ ही हम वंदे भारत का जो है प्रोजेक्ट भी गन्नौर में ही लग रहा है, जो आने वाले एक समय में जब शुरू भी हो जाएगा उसका टेंडर हुआ है और एक फ्रेंच कंपनी उसने लिया है जो 30,000 करोड़ रुपए का है। गन्नौर में ही अब हमने इंटरनेशनल फ्रूट मंडी है वो चालू किया, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उसका उद्घाटन किया था, उससे वहाँ किसानों को बड़ा भारी फायदा है और 3,000 करोड़ रुपये लगभग हम उसमें सेंसद किए हैं। गन्नौर में कंटेनर डिपो बनाया है जिसमें 1,000 करोड़ रुपये करीब खर्च हुए हैं, वहाँ से गन्नौर से आज सामान दुनिया के किसी देश में आ सकते हैं और किसी देश से हम मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं, ऐसे भेज भी सकते हैं। तो ये ऐसा है जो गन्नौर को एक नया रूप दिया है। इसके साथ साथ हमारा जो रेलवे स्टेशन था सोनीपत, वो हमने मॉडर्न रेलवे स्टेशन तरह विकसित कर रहे हैं और इसको सारा नया बना रहे हैं। अब लगभग 25 करोड़ रुपये के टेंडर इसका और हुआ है नया, जो ये पुरानी बिल्डिंग और सब नहीं बन सकती। इसी तरह जी गोहाना रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्न रेलवे स्टेशन के रूप में 25 करोड़ रुपये उसके कराए हैं और जींद रेलवे स्टेशन पर भी 25 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं। तीनों रेलवे स्टेशनों की हम टेंडर भी करवा रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं। फिर चाहे स्टॉपेज की बात थी, शताब्दी स्टॉपेज वो भी सोनीपत में हुआ है। उसके बाद जो और भी जो काम थे जींद में कई स्टॉपेज करवाए, जुलाना में एक गोहाना पिक्चर करवाया था, अब ये सब हमने एक विकास का नया मॉडल दिया है। आज रेलवे का एक हम नया पलवल से लेकर कुंडली तक एक नई रेलवे लाइन डाल रहे हैं, उसका जमीन का रो काम शुरू हो गया है, उसका पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी ने उसका शिलान्यास किया था। अब तो ये इस तरह से एक विकास का हमने नया रास्ता इसका दिया है। फिर सोनीपत में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, आज पासपोर्ट ऑफिस है। फिर डिस्पेंसरी नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इम्प्लॉई जो है लगभग 70,000-80,000 इम्प्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट के, वही लाख भी हो सकते हैं जो हमारे दिल्ली में नौकरी करते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं, आज वो भी सोनीपत में है। तो हर वो काम जो हो सकता है वो प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्रीय सरकार ने आज किया है। आज सोनीपत खरखोदा था जैसे हमारा पिछला इलाका था, मारुति का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। तो आज जो है हमारा खरखोदा नया मानेसर बनने जा रहा है, हमारा गोहाना नया सोना बनने जा रहा है और गन्नौर राही और सोनीपत गुड़गांव के रूप में विकसित हो रहा है। आज हमारा एजुकेशन का हब है, चारों सब यूनिवर्सिटियाँ सारा काम यहाँ है और आज सोनीपत एक बहुत ही विकसित हुआ शहर है और आने वाले समय में ये हरियाणा में भी नंबर वन होगा और देश में भी इसका नाम। जिस तरह से सांसद जी आपने जो ग्राउंड जीरो के रिकॉर्ड के मुताबिक जो विकास कार्यों की गिनवाया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता कि अरबों के विकास कार्य यानी कि सड़क है और रेल मार्ग है और तमाम तरह से चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा है और पासपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए मार्ग सुगम हो जाना। तो जो हम जमीन पर काम करें तो उसका प्रचार होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आज कोई अगर मेंबर पार्लियामेंट का कोई काम बचा हो, मैं लोगों से पूछता हूँ, प्रेस के साथियों से भी बचा तो हमें बता दो, वो भी करवाएंगे। हम काम में विश्वास करते हैं, प्रचार खुद होगा, प्रचार तो अपने आप होगा जो जमीन पर काम करेंगे। हमें जमीन पर काम करना चाहिए, 10 साल की हमारी सरकार हो जाएगी चुनाव समय, हम अपने काम के लिए वोट मांगेंगे और जो हमारा संगठन है वो भी लगा हुआ है, हम नीचे तक हमारा संगठन पहुंचा है पन्ना प्रमुख तक, वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत आने वाले समय में होगी। सांसद जी, जिस तरह से विपक्ष जो है जो विकास कार्य है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आपके नेतृत्व में हुए हैं, लेकिन विपक्ष को ये चीज विकास जो है वो हजम नहीं हो रहे हैं। अक्सर जो उनके बयान आते हैं
वो कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, अपराध बढ़ गया, कार्य कुछ हुआ नहीं, कोई शिक्षण इस तरह से बोलता है। अगर किसी ने इस तरह बोलना ही हो, आलोचना करनी हो, उनको पता नहीं चलता, उस रोड से चल कर नहीं आते, उन्होंने पता होना चाहिए रोड ये कैसे बना है, क्यों बना है। और वो भी जब बैठते हैं वो ये मानते हैं विकास में कोई कमी हमने नहीं छोड़ी है, क्योंकि आदमी कितनी झूठ बोल सकता है, झूठ बोल रहे तो बोल रहे हम वो बातें करवाएंगे, हम करवाने की बात नहीं, हमने करवा दिए हैं, इसलिए ये बात है। और लोगों ने पिछले चुनाव में दिखा भी दिया था हुए हैं या नहीं हुए हैं, और लोग सबसे बड़ी हमारी गारंटी है, और इस चुनाव में हम भारी बहुमत से ये सीट पार्लियामेंट की जीतेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेकर सेंटर में सरकार बनाएंगे, और अपने प्रदेश में तीसरी बार फिर हम भारतीय जनता पार्टी सरकार। भाजपा ने जो विकास कार्य और सांसद जी के नेतृत्व में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं, उन्हीं के आधार पर ही चुनाव मैदान में उतरा जाएगा। और खास बात यह है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में बागडोर आने वाली है, शक्ति ताकत से भाजपा आगे बढ़ रही है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।